BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। चेहरे के दाग धब्बे, बालों का झड़ना या स्किन पे झाई या झुर्रियों के आने से है परेशान, तो आज ही मिले डॉक्टर BH नासिर से। अपने चेहरे और बालों की देखभाल के लिए आज ही आए भारत हॉस्पिटल, हुसैनी मोड़, बिंदुसार रोड, सिवान। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें। बड़हरिया प्रखंड मुख्यालय में शुक्रवार की शाम दो बाइक पर सवार चार बदमाशों ने रंगदारी नहीं दिए जाने को लेकर एक कपड़ा व्यवसायी को गोली मारकर घायल कर दिया। फायरिंग की घटना के बाद क्षेत्र में दहशत कायम हो गई। बदमाशों द्वारा 6 राउंड फायरिंग की गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को इलाज के लिए बड़हरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां घायल की स्थिति चिंताजनक होने के कारण चिकित्सक द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। घायल व्यवसायी की पहचान मननपुरा निवासी मोहन प्रसाद गुप्ता के रूप में हुई। मोहन प्रसाद को सीना और पीठ में गोली लगी। बताया जाता है कि मोहन प्रसाद गुप्ता बड़हरिया स्थित अपने कपड़े की दुकान बंद कर जामू रोड स्थित नए घर पैदल जा रहे थे, तभी दो बाइक सवार चार बदमाश आए, उन्हें गोली मार दी। इस दौरान बाजार में अफरा तफरी मच गई। घटना के बाद बदमाश अपनी बाइक से तरवारा बाजार की ओर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही थानाध्यक्ष पंकज कुमार दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर घटना की जानकारी लिए। ज्ञात हो कि कपड़ा व्यवसायी मोहन प्रसाद गुप्ता से 18 अक्टूबर को रंगदारी में 10 लाख रुपए मांगी गई थी। इस मामले में व्यवसायी ने सावना निवासी सद्दाम हुसैन के विरुद्ध प्राथमिकी कराई थी। न्यूज इंडिया तक से परवीज अख्तर की रिपोर्ट। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के साथ करें जॉब ओरिएंटेड कोर्स, बीटेक, पॉलिटेक्निक, होटल मैनेजमेंट सहित अन्य प्रोफेशनल कोर्स। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें एनराज एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट, आंधरढाला ओवरब्रिज के नीचे, सिवान।